हेलो गाइस, जय हिंद। चलिए मैं आज उत्तर प्रदेश जल पुलिस के कार्य और उनके कर्तव्य को दिखाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त जो कि जल पुलिस में कार्यरत हैं उनसे मिलने पहुंच गया। वो इस समय घाट के किनारे अपना बोट लेकर गश्त लगा रहे थे। इनका कार्य होता है कि नदी में आस्था की डुबकी लगाने आए हुए श्रद्धालुओं को देखरेख करना, ताकि उन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए, यह जल पुलिस के जवान हैं, ये अयोध्या सरयू नदी घाट पर गश्त लगा रहे हैं, ताकि जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं श्रद्धालु उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। यह कुशल तैराक भी है और कुशल बोट चालक भी हैं। यह लगातार हर 2 मिनट में घाट के किनारे बोट लेकर गश्त लगाते रहते हैं। यह हमेशा पानी में ही रहते हैं, यह बोट को ड्राइव करते हैं। देखिए आप कितना अच्छा बोट चला रहे हैं। और अब नदी की बात करूँ, नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है। आप देखिए बोट के पीछे कितना तेज़ प्रवाह हो रहा है, और किसी भी प्रकार की पानी में कोई दिक्कत नहीं आती। ये रहते हैं तो इनके पास सेफ्टी जैकेट भी रहता है, ताकि कोई बात हुई तो सेफ्टी जैकेट पहनकर नदी में कूद सकें। आप देखिए नदी कितना लंबी चौड़ी है और धारा का प्रवाह भी बहुत तेज़ है। इनका कार्य होता है पानी से संबंधित कोई भी आपदा आए उसको पहुंचकर तुरंत सकुशलता सफल बनाते हैं। किसी भी प्रकार की पानी से संबंधित दिक्कत नहीं आती है। यह घाट के किनारे हमेशा गश्त लगाते रहते हैं और हमेशा ये चौकन्ना रहते हैं। यह उत्तर प्रदेश जल पुलिस है, यह 24 घंटा सेवा में तत्पर रहती है। हमेशा नदी घाटों तथा किसी भी बाढ़ क्षेत्र में जाकर यह आपदा को राहत पहुंचाते हैं और बाढ़ में पीड़ित जनताओं को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। हम भी वहां गए, बोट पर बैठे और उनके साथ नदी घाट का गश्त लगाए। हमें भी अच्छा लग रहा था। वह अपने बोट को सफलतापूर्वक चलाते हैं, हमेशा उसको सुरक्षित रखते हैं और खुद को भी सुरक्षित रखते हैं और जनता को भी सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद। दूरदर्शन लाइक करें।